जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक क्वेश्चन होता है वो बाउंड्रीज से रिलेटेड होता है स्पेशली रिलेशनशिप्स में इस ये सवाल मेरे पास बहुत आया है uh, पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है बिकॉज हर किसी को हम सुनते हैं कह रहे होते हैं कि अपनी बाउंड्रीज़ सर्ट करें ले डाउन योर बाउंड्रीज आपकी बाउंड्रीज़ वीक हैं वट डज़ इट मीन बाउंड्रीज़ का मतलब क्या है वट इज़ इट मीन कि बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स में शो कैसे करते हैं बाउंड्रीज़ का मतलब बेसिकली जितना मैं उसको सिम्प्लीफाई करके बता सकती हूँ बेसिकली बाउंड्रीज़ का मतलब है कि ये आप हैं ये मैं हूँ आपकी ये नीड्स हैं मेरी ये नीड्स हैं और जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं तो मैं आपको वो रिस्पेक्ट दूंगी जो आपकी नीड्स के मुताबिक हो और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे वही रिस्पेक्ट देंगे ये हमारी लाइन है इसके बाद आप शुरू होते हैं ठीक है बाउंड्रीज जब आपकी वीक हों सो ये कुछ सवाल हैं जो आप ख़ुद से पूछ सकते हैं फॉर um, एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी रिले, आपको लगता है कि अपनी रिलेशनशिप्स में आप हमेशा ज़्यादा कर रहे हैं और अगला बंदा कम करता है ये आपकी एक जनरल फीलिंग होती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ लोगों के लिए यू हैव अ बाउंड्री प्रॉब्लम राइट या आपको लगता है अपनी रिलेशनशिप्स में कि uh, मैं नाराज़ हो गई या मैं uh, खफा हो गया या मुझे ग़ुस्सा आ गया तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया या उसने मुझे आ, अटेंशन नहीं दी आपकी बाउंड्रीज़ का इशू है या आपको लगता है कि दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप हमेशा फिक्सर बन के पहुँचे हुए होते हैं आप ही को फ़ोन किए जाते हैं कि प्लीज़ आके मीडिएट करें आपकी बाउंड्रीज़ का इशू है उसमें या आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप्स या तो बहुत ही हाई जाती हैं या फिर एकदम से ड्रॉप हो के इतना आपका लो एक डिप्रेसिव पीरियड आ जाता है बाउंड्रीज का इशू है सो so कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक तरफ टिल्ट करे या फिर दूसरी तरफ टिल्ट करे यहाँ पे बाउंड्रीज का इशू आ जाता है इसको मैं बहुत सिंपली अगर डिस्क्राइब करूँ हेल्दी बाउंड्रीज वो होती हैं कि मेरी इमोशंस मेरे हैं मेरे रिएक्शंस है, मेरे हैं मेरे रिस्पॉन्स है, मेरे, मेरे हैं आपका बिहेवियर आपका है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप कुछ भी कर लें आप जैसे भी कर लें मेरा जो रिएक्शन जो मैं दूंगी या मैं जो रिस्पांस देता हूँ उसकी रिस्पांसिबिलिटी मुझ पे है सो बेसिकली आप ना अगले की रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं ना अपने एक्शंस की और बिहेवियर्स की रिस्पांसिबिलिटी उनको दे रहे हैं ये होती है क्लियर बाउंड्री राइट ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा कर लें या पीपल प्लीजिंग कर लें या उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो कि लोग उनको पसंद नहीं करते या नहीं करेंगे अगर वो उनके हिसाब से नहीं चलेंगे यूजुअली ऐसे लोग एट द एंड ऑफ द डे रिजेंटफुल भी होते हैं उनको गु़स्सा भी आता है फिर ज़्यादा बिकॉज़ उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक चीज़ नहीं हो रही सो so, एक सवाल जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में फॉर एग्जांपल ये जो मैं ज़रूरत से ज़्यादा करती हूँ बाय चॉइस अगर करती हूँ तो और बात है पर अगर ये मैं कल करना छोड़ दूँ कल को अगर मैं ये प्लीजिंग बिहेवियर ना करूँ सो मेरी रिलेशनशिप चेंज होगी कि नहीं राइट? Right? अगर जवाब है कि चेंज होगी तो आपकी बाउंड्रीज़ का इशू है राइट right? अगर आपको लगता है कि मैं विलिंगली कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी फ़र्क नहीं पड़ता अगला बंदा मुझे कौन सा रिस्पॉन्स देता है सो देन इट्स ओके देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हम रिलेशनशिप्स में ये करते रहते हैं माँ बाप के लिए करते हैं पार्टनर्स के लिए करते हैं बच्चों के लिए करते हैं दोस्तों के लिए करते हैं मगर वो एक विलिंगनेस होती है आपकी वो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं आप पे किसी ने ये एक्सपेक्टेशन या आपने अपने आप पे ये एक्सपेक्टेशन नहीं डाली कि ये मैंने करना ही करना है नहीं तो मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी वहाँ पे बाउंड्रीज़ का इशू आ जाता है बाउंड्रीज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज़ हमारी सेल्फ़ इस्टीम से लिंक्ड होती हैं जहाँ पे लो सेल्फ़ इस्टीम होती है जहाँ पे, पे जिस कल्चर में जिस फैमिली में आपको ये बताया गया हो कि अगला खुश नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं राइट right? वहाँ पे आपकी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड्स आ जाते हैं लोगों की वैलिडेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है आपकी अपनी बाउंड्रीज़ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ शुरू हो जाता है और करते करते थर्टी फोर्टी ईयर्स ऑन फिर आपको गुस्सा आने लगता है कि मैंने अपने लिए तो कभी कुछ किया नहीं मैंने दूसरों के लिए हमेशा किया दैट्स अ प्रॉब्लम राइट आपकी अपनी सेल्फ़ इस्टीम आपने बिल्ड ही नहीं की वन इनफैक्ट मेरे पास जब लोग आते हैं um, उनकी हमेशा इनका ये होता है कि हमें प्लीज़ बाउंड्रीज असर्ट करना सिखा दें और मेरा जवाब यही होता है कि बाउंड्रीज़ असर्ट करने के लिए आपने पहले सेल्फ स्टीम पे काम करनी है सेल्फ स्टीम पे काम करने का मतलब है कि आराम आराम से आपने हार्मलेसली जहाँ पे जिन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा थ्रेट ना हो वहाँ पे आपने नो no कहना शुरू कर देना है आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ इमोशनल हेल्थ आपकी कैपेसिटी कितनी है कौन सी चीज़ आप उसके अंदर रह के कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी बाकी चीज़ें उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है उन चीज़ों को पहले समझ लें राइट right? रात के 11 बज रहे हैं और एक दोस्त आपको फ़ोन करके बुला रहे हैं एक बार तो आप कर लोगे उनका कोई इशू है तो आप सोचते हो दोस्ती है मैं जाके कर लूँ पर अगर वो पैटर्न बन जाए और आप करते रहें इस डर से कि दोस्ती ख़राब हो जाएगी ठीक है तो वो फिर दोस्त का कसूर नहीं है राइट right? आपको ना नहीं कहना आ रहा आप मना नहीं कर पा रहे हो आप नहीं बोल पा रहे हो कि लिसन मैंने पूरे दिन काम किया मैं थका हुआ मैं इस वक्त नहीं आ सकता ये कहना हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत मुश्किल लगता है राइट right? और फिर हम करते हैं फिर हम गुस्सा भी करते हैं इंटरनली दूसरे दोस्त से बात कर लेंगे कि इस मैं तंग आ गया हूँ रोज़ मुझे फ़ोन करके हर दूसरे दिन फ़ोन करके आपकी यहाँ से बाउंड्रीज शुरू होती हैं दिस इज़ वाई यू बिगिन फैमिली के अंदर बाउंड्रीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बिकॉज़ ये आपकी इंटरमेट रिलेशनशिप्स होती हैं बाउंड्रीज़ ब्लर्ड हो जाती हैं थोड़ी सी एक घर में रहते हुए स्पेशली मैं फिर ये बात वापस जाके पेरेंट्स से कनेक्ट करूँगी कि पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों को बाउंड्रीज़ सिखाएँ सिर्फ अपने लिए नहीं कि मुझसे तमीज़ से बात करनी है या मैं जो कहूँ वो ही वही वो करना है बल्कि बच्चों की अपनी बाउंड्रीज़ भी उनको सिखाएं कि अगर आपको गुस्सा आया हुआ है या आपको स्पेस चाहिए या आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा या आपका दिल नहीं कर रहा कुछ करने को तो खुल के बोल दो ठीक है खुल के उनको बोलना सिखाएं वो अपने घर के अंदर इन चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो जाके दुनिया में फिर कर सकते हैं घर के अंदर ही अगर आप उनको शेम करें या उनको ये बताएं कि नहीं मेरी अथॉरिटी अल्टीमेट अथॉरिटी है उससे बाहर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है सो so बच्चा फिर बड़े हो के पूरी दुनिया को देख के उनसे वैलिडेशन मांगेगा बिकॉज उसके लिए अल्टीमेट अथॉरिटी घर से शुरू हुई थी बाहर जाके दुनिया पर एक्सटेंड हो गई उनकी अपनी सेल्फ स्टीम तो बिल्ड नहीं हुई उनकी अपनी आइडेंटिटी बिल्ड नहीं हुई सो so, ये चीज़ें घर से सिखाई जाती हैं अपने बड़े अपनी बाउंड्रीज़ अच्छे से समझते हैं मगर बच्चों की रिस्पेक्ट और बच्चों की इस्टीम उससे कितनी ख़राब होती है और बच्चों को हम ये चीज़ नहीं सिखाते हैं नॉर्मली कल्चरली मैं वही कह रही हूँ पेरेंट्स को ये डर होता है जैसे उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा बच्चों पर बट इट्स नॉट दैट यही बच्चे आगे जा दुनिया में फिर लोगों के साथ उस तरीके की रिलेशनशिप्स रख सकते हैं जो म्यूचुअल हों रिस्पेक्टेबल हों रिस्पेक्टफुल हों राइट सो ये चीज़ें आप घर से उनको सिखाना शुरू करें बाउंड्रीज एक बहुत वास्ट टॉपिक है um, इस पर हम और भी बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो मैंने आज बोला है उससे रिलेटेड आपकी और कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ ई मेल कर दें एंड आई विल एक्सपैंड ऑन इट मोर थैंक यू